न्यू ब्लॉग में हूँ यानी मैं तू लिखा और मैं वापस जा रही हूँ इस टाइम बज रहे हैं शाम के छः बज रहे हैं बिट्टू मेरे साथ है नहीं बिट्टू की फरमाइश है सबसे बड़ी है उनको ये चीज़ बहुत पसंद तो आए दिन कार्यक्रम लगे हुए हैं चुनाव के देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है और सामने से और यहाँ ये जज साहेब का बंगला है नीचे बंगले की ये देखो और ये शायद शायद इसमें जस्ट साहब की फैमिली ऐसी नहीं है देख सकते हो देखा जज साहेब के शायद बच्चे यहाँ हाई कोर्ट के जज साहब इनकी फैमिली थी शायद ये बच्चे थे जो भी था पुलिस तो वाले जल्दी से उनका गेट खोले और अब हम पहुंच रहे हैं घर के लिए पहुंचने वाले बिट्टू बेटू का कॉल बहुत बार है फ़ोन कब आओगे मम्मा कब आओगे मैंने कहा मैं आ रही हूँ रास्ते में चलो दोस्तों मिलती कुछ देर बाद तो फ्रेंड उसके बाद मैंने कपड़े पड़े निकाल के और यहाँ करने लगी हूँ किचन का, का काम जैसे कि आपको मालूम है हम हाउसवाइफ चाहे कितना भी हो जाए कहीं भी जाए थक जाए कुछ भी हो जाए मगर भैया घर के काम करने हैं बच्चे हैं दो हम हैं हमारे हस्बैंड हैं तो सबकी केयर हमें ही करना होता है और ये लिखा पढ़ी में कहा गया है कि आदमी बारह घंटे काम करते हैं मगर और लेडीज़ें जो होती हैं सोलह घंटे कंटिन्यू काम करती हैं यानी चार घंटे जेंट्स से लेडीज़ ज़्यादा काम करती लिखा पढ़ी में है तो ये काम तो करना ही है अब मैं आपको बताऊंगी आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों मैं रात को हमेशा बारह बजे सोती हूँ लगभग साढ़े ग्यारह पौने बारह बजे मैं सोती हूँ और सुबह मुझे पाँच बजे जगना ही जगना है क्योंकि जगेंगे नहीं तो फिर बच्चों का टिफिन नहीं तैयार हो पाएगा तो पाँच बजे मैं जग के बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ टिफ़िन बनाती हूँ फिर तैयार करती हूँ क्योंकि बिटिया भी मेरी दूर जाती है फिर तैयार करती हूँ तो ये लोग अपना बेटू जो है साढ़े छः बजे चले जाते उसी के दस पाँच मिनट बाद बिट्टू चली जाती तो मैं इतना करती हूँ और मुझे चार से पाँच घंटे मेरे आँख के नीचे डाक सर्कल हो गए बस इस रीजन से क्योंकि मैं बराबर सो नहीं पाती दिन में सोने की कोशिश करो तो कहीं बिट्टू ये कहेंगी कहीं बेटू ये कहेंगी इसकी वजह से मैं दिन में भी बराबर नहीं सो पाती हूँ दोस्तों क्योंकि इन्हीं लोगों का रहता फ़ी दिन में भी तो काम रहते ये काम वो काम वो काम कई लोगों के कमेंट थे कि दी आप पहले से डर लग रही हो और आपके दाग सर्कल हो रहे हैं तो बस यही रीजन है सबसे बड़ा तो दोस्तों आपसे बात करते करते मैंने बनाई है सोयाबीन और बरी की सब्जी रसेदार तो अच्छी लगती है आ, भाई खानी चाहिए मैं तो बनाती हूँ कभी कदार बनाती हूँ रोज़ तो नहीं बनाती हूँ पता पहले जब आप अपने मायके में थे यानी मम्मी के पास छोटे थे तो मैं इसको नहीं खाती थी एक बार आ, क्या हुआ जब मेरे घर पे बना हुआ था तो शायद मेरे भाइयों ने किसी ने कहा कि ये जो अब मतलब बरी होती है ऐसे दबाव तो स्पंच टाइप की रहती ना तो उन्होंने कहा मछली ऐसे ही होती तो हम लोग भाई नान वेज तो खाते नहीं हैं कोई भी नहीं हम लोग वेज वाले हैं नॉन वेज नहीं खाते हम लोग तो जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा चलो ठीक है और यहाँ पे बिट्टू हमारी देखो हम लोग वेजिटेबल खाते नॉन वेज कोई नहीं खाता कोई खाता ही नहीं है और यहाँ बिट्टू मेरी डांस कर रही थी और अब ये जाती है डांस सीखने तो अपना कुछ ना कुछ करती रहती बच्चे हैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं और दोस्तों ये देखो बच्चों छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल की वजह से इतना ज़्यादा तेज़ हो गए इतना ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ मैं इसकी एज में जब थी तो मैं तो जानती नहीं।, नहीं थी फ्रेंड किस क्या होता है और इस तरह कौन बनाता भी भैया वीडियो वीडियो कोई नहीं बना पाता था और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा किचन का जो भी काम रहता मैं सब रात में ही निपटा देती हूँ तो दोस्तों आ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा जरूरत है इस समय शॉर्ट वीडियो का ज़्यादा क्रेज़ है मैं इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती हूँ अगर आप लोगों को आ, मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मधु शर्मा फाइव बार रियल आगे टू मधु यम ए डी एच यू य और फिर उसके बाद यस एच ए आर एम ए मधु शर्मा और लिखना वन टू थ्री फोर फाइव बार यल लिखना तब आगे टू है फिर उसके बाद दोस्तों लगे हाथ जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैं क्लीन करने लगी मैंने कहा इनको भी लगे हाथ कर दूँ और दोस्तों सही कभी कभी मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ मुझे लगता है कि बस मायके जाऊंगी तो इस बार कम से कम दो से तीन दिन मैं सोती ही रहूंगी, उठूंगी नहीं मैं अकेली मतलब मैं यहाँ अपनी अपने जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ फिर भी मैं टाइम नहीं निकल पाता उसके पीछे रीज़न है मैं खुद ही इतना ज़्यादा मुझे डांस क्लास में बिट्टू को लेके जाना वहाँ दो घंटे बिताना फिर वीडियो एडिट करना इस चैनल में डालना उस चैनल में डालना ये करना वो करना तो सारे काम तो बंधे हुए हैं तो कहाँ से मुझे आराम मिलेगा और जो सुकून जो चीज़ माँ की गोदी में मिलता वो कहीं नहीं मिलता दोस्तों कहीं भी नहीं मिलता तो फिलहाल तो आप देख ही सकते हो बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए स्टैंड में स्टैंड में बर्तन भी लगा देती हूँ वेशिंग में जो भी बचा रहता मेरी वेशिंग एकदम क्लीन रहती मैं एकदम साफ रखती हूँ भैया मैं जैसे साफ़ सुथरा हूँ वैसे ही मैं सोचती हूँ अपने घर को भी साफ सुथरा रखूँ और फिर दोस्तों चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों गुड इवनिंग इस टाइम बज रहे हैं शाम के साढ़े बज गए हैं बेटू बिट्टू अभी शो रहे हैं बेटू बिट्टू को मैं अभी जगाऊंगी और क्योंकि बेटू के एग्ज़ाम चालू हैं उसका पेपर है आज फर्स्ट पेपर था आज ई वी का था कल शायद उसका साइंस का पेपर है और बिट्टू को भी होमवर्क कराना सर अभी आए नहीं है अभी आएंगे और बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं देखो बच्चों से मिलवाती हूँ ऐसे कहते हैं कि सोते हुए बच्चों की फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं खींचनी चाहिए तो मैं दिखाती हूँ बच्चे मेरे दोनों सोने में पड़े देख रहे हो ये ये मेरा बेटा वो बेटी और सोने में पड़े और तो आप लोग देख ही सकते हो बच्चे मेरे सो रहे हैं और आप लोगों की बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी ये घर किसका है किसका मैंने कितनी बार बोल दिया ये घर मेरा नहीं है हाँ ये आप लोगों की ये भी कमेंट थे रेंट में तो बस ऐसा ही कुछ सोच लीजिए कि हाँ मैं रेंट में हूँ बट मैं बता दूँ हकीकत का कि ये रेंट का भी नहीं है हाँ मगर मेरा नहीं है घर और यहाँ ये इंडक्शन मैं इस वजह से यहाँ रखी हूँ क्योंकि ये इंडक्शन को यहाँ मैं चालू करती हूँ तो ये हीटेड रहता है इसकी वजह से ये देखिए मेरा वॉलपेपर लटक गया है देखिए यहाँ पे वॉलपेपर ये देखिए दिख रहा ये सब लटक गया ऐसे चिपका हुआ था क्योंकि ये गर्मी देता ये हीटर का ही बदला हुआ रूप है तो इसकी वजह से दोस्तों जो हम हमने क्या सोचा कि चलो इसको जो है नीचे तो ये यहाँ पे मैंने नया पावर बोर्ड लगवाया और ये यहाँ हीटर को मैंने एडजस्ट कर दिया और इसको उठा के रख देती इसमें रखे हैं अब भी दूध वाल दोपहर में दूध आया था तो इसको देखो गर्म करके ऐसे मैंने रख दिया अभी उठा के ऊपर रख देंगे जब काम लगता है तभी रखते हैं तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा ब्लॉग का आनंद लीजिए मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर तो मैं रेडी हो गई हूँ अब मुझे जाना है बिट्टू को ले डांस क्लास तो पर बिट्टू नहीं जाएंगी मैं ही केवल जाऊँगी और शाम के बज रहे पाँच बज गए यहाँ के और मुझे जाना होगा तो मैं जाती हूँ मैंने कहा चलो जाते जाते पहले इस ब्लॉग को यही करती हूँ द एंड और कल मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग में तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए सपोर्ट चाहिए आशीर्वाद चाहिए तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय और हाँ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा मैं मिलती हूँ बाय बाय